टाटा ने अपने हैरियर के डार्क एडिशन के जो सेल्स को देखते हुए और बहुत सारे लोगों के डिमांड के भी देखते हुए टाटा ने नेक्सॉन ईवी, नेक्सॉन और एल्ट्रोज का डार्क एडिशन को लॉन्च करने का फैसला किया है। टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन 7 जुलाई को ऑफिशियली रिवील होगा शोरूम से। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तीनों ही टाटा नेक्सॉन की जो डार्क एडिशन है उसमें और जो नॉर्मल एडिशन है उसमें क्या क्या डिफरेंस आ जाता है और कितने का प्राइस रेंज अलग होगा। सबसे पहला जो फीचर मिलता है ये है कि टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन के साथ अब मैं ये गाना यूज नहीं कर सकता अपने चैनल पे, जो कि है गोरा क्योंकि अब नेक्सॉन का गोरा रंग नहीं काला रंग भी आएगा। तो चलिए ये सब तो बातें थी मौज मस्ती की, अब बात करते हैं अपने जो टॉपिक पे थे हम। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो क्रोम वर्क आपको लोगों के नीचे जो नॉर्मल एडिशन में मिलता था वो अब डार्क एडिशन में आपको डार्क ग्रे कलर का मिलेगा। और जो फॉग लैम्प और जो ट्राई एरोस का जो डिज़ाइन मिलता था जो पहले नॉर्मल मोड में मिलता था वो हल्का ग्रे इस कलर का मिलता था, लेकिन अब जो होगा वो आपको डार्क कलर का ब्लैक कलर का मिलेगा। वैसे तो कुछ ही हफ्ते पहले टाटा ने अपने जो नॉर्मल नेक्सॉन का जो व्हील होता है उसमें कुछ चेंजेस लाए थे डिज़ाइन में, और अब जो डार्क एडिशन आएगा वो वही स्पोक्स 5 स्पोक्स वाला व्हील होगा और उसमें डार्क ब्लैक कलर मिलेगा। और टाटा हैरियर के जैसे ही अब आपको नेक्सॉन के जो साइड में होगा वो हैशटैग डार्क का बैजिंग मिलेगा, और नॉर्मल नेक्सॉन में आपको जो साइड विंडो पे जो होता है वो आपको ग्रे कलर का मिलता है, लेकिन इस बार डार्क ग्रे मिलेगा। अब बात करें बैक प्रोफाइल की, तो नॉर्मली आपको डार्क एडिशन में अब आपको सिर्फ बैक प्रोफाइल मिलेगा जो पहले आपको रेड या फिर वाइट कलर का मिलता था। नेक्सॉन डार्क एडिशन में जो नेक्सॉन का बैजिंग होगा वो आपको ब्लैक कलर का मिलेगा जो कि नॉर्मली पहले सिर्फ वाइट या फिर सिल्वर कलर का मिलता था। जो रूफ रेल है वो पूरा ही सिमिलर है और यहाँ पे डार्क सिर्फ एंटीना मिलता है, और जो सनरूफ है वो सारे ब्लैक कलर में मिलते हैं। अब आते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में जो डोर हैंडल है वो पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है आपको, और ट्राई एरो का डिज़ाइन मिलता है। जो सीट है वो पूरे ब्लैक कलर में आपको ऑफर किए गए हैं।